नमस्कार साथियों, आज के शैक्षणिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं विज्ञान का परिणाम। कोरोना संक्रमण के कारण टल सकते हैं पंचायत निकाय चुनाव। कक्षा 9 से 12वीं के लिए 30% तक सिलेबस को तर्कसंगत बनाया, निशंक ने सफला। संस्कृत विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होंगे कर्मोन्नत। अनलॉक 2, स्कूलों में नहीं बुलाया जा सकेगा स्टाफ। प्रोजेक्ट वर्क के जरिए प्रमोट होंगे केवी के 9वीं और 11वीं में फेल छात्र। विश्वविद्यालय कॉलेजों में नवंबर से शुरू होगा नया सत्र। HRD UGC का फैसला, DU ओपन बुक एग्जाम 15 अगस्त के बाद। SI भर्ती के साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश। अंतिम वर्ष के विधि छात्रों की परीक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। 69,000 अध्यापक भर्ती मामला, पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोकी शिक्षक भर्ती। वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से चयनित 13 अभ्यर्थियों की दस्तावेजों के साथ पात्रता जांच को 15 जुलाई को। निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार। प्रदेश में निजी स्कूलों के खुलने तक फीस जमा नहीं होगी। ग्राम रक्षक सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित। फिर से बढ़ाएंगे अतिथि शिक्षक आदेश जारी। UGC की गाइडलाइन जारी, यूनिवर्सिटी अभी नहीं कराएगी परीक्षा। सरकार के आदेश अनुसार लिया जाएगा निर्णय। केंद्रीय विद्यालयों में 9वीं और 11वीं के फेल छात्र बिना परीक्षा दिए होंगे पास। प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर किया जाएगा छात्रों का मूल्यांकन। लॉकडाउन के दौरान 65% बच्चे डिवाइस के भी आदि। उच्च शिक्षा की परीक्षाएं फिलहाल रहेंगी रद्द, सरकार फिर से कर रही है विचार। मुख्यमंत्री स्तर पर होगा अंतिम निर्णय, केंद्र सरकार और UGC की गाइडलाइन का उच्च शिक्षा विभाग करेगा अध्ययन। लाखों भारतीय छात्रों को छोड़ना पड़ेगा अमेरिका। विधि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा करवाने पर फैसला नहीं लेने पर याचिका। पढ़ाई शुरू होने तक निजी स्कूल नहीं ले सकेंगे फीस, डोटासरा का नैसा बोला है। स्थिति में एक्स सर्विसमैन वर्ग का लाभ नहीं दिया जा सकता। और कोर्ट में RPSC की ओर से अभ्यर्थी मुलाराम जाखड़ ने विरुद्ध अपील को स्वीकार किया, लेकिन मुलाराम की 17 अगस्त 2017 को नियुक्ति जाने में सेवा जारी रखने के दिया आदेश। पैरामेडिकल भर्ती में राज्य के अभ्यर्थियों को कोटा निर्धारित करे सरकार। अब मृत्यु भोज की नहीं दी सूचना तो छीन सकती है पंच सरपंची। सहायक संघ के अधिकारी के आवेदन 10 से। अब मृत्यु भोज या शादी समारोह में भीड़ जुटाई तो गिरेगी सरकारी गाज। NCERT ने की सिलेबस कम करने में मदद। शेखावटी के वीर सपूतों की शौर्य गाथा, 9वीं की पुस्तक में पढ़ेंगे स्कूली छात्र। स्कूल बंद फिर भी फीस के लिए दबाव बना रहे हैं प्राइवेट स्कूल संचालक। आज जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं विज्ञान का परिणाम। सरकारी स्कूलों में मिलेंगे बाबूजी, काउंसलिंग से मिलेगी पहली पोस्टिंग। RTE को लेकर निजी स्कूल संचालक मिलेंगे शिक्षा मंत्री से। 9वीं से 12वीं क्लास का 30% सिलेबस हुआ कम। RS रिजल्ट को मिली हरी झंडी। कोरोना से संकट, कॉलेजों की स्टडीज के साथ प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं का बिगड़ा शेड्यूल। अब निजी स्कूल खुलने के बाद ही ले सकेंगे फीस, पहले सरकार ने 30 जून तक 3 माह की फीस की थी स्थगिता बढ़ाया। 9वीं से 12वीं के लिए 30% कम होगा सिलेबस। रीट परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक लाने की छूट को चुनौती, कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। तैयारी करो परीक्षा करवाएंगी UGC, परीक्षा के संबंध में नई गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। CIS बोर्ड ने भी सिलेबस घटाया। आए दिन बदलते दिशा निर्देश से विद्यार्थी वर्ग का संबंध में। मॉडल और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सरकारी कार्मिकों के
बच्चों को मिलेगी वरीयता। प्रमोट या परीक्षा, गृह मंत्रालय ने सितंबर में परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दी और बीएड और बीएसटी स्टूडेंट को प्रमोट करने की मांग। डीयू में 18 जुलाई तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। परिणाम जारी नहीं होने पर भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों ने जताया विरोध। आज के समाचार यहीं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।